थोड़ी सी अजीब हूँ। अब तक मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पाए हैं, पर उनकी गलती नहीं है। मुझे भी खुद को समझने में काफी वक्त लगा। मेरा भाई मुझसे भी अजीब है और मेरी माँ भी खेरी फेस कपकेक्स। हर फैमिली की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। देखो हमारी इतने सालों में एक भी अच्छी फैमिली पिक्चर नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो। हमारी फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल तो ये चिपकू रोबोट्स। मेरी बात ध्यान से सुनो रोबोट्स, इस दुनिया के हर एक इंसान को पकड़ लो। आखिरी बचे इंसान यहीं कहीं पर होंगे। रुको, वो आ रहे हैं। क्या ये कोई डायनासोर के जमाने की खटारा है या फिर ये कौन है ये जाबाज फाइटर्स? मिचेल्स हमेशा से अजीब रहे और यही हमारी ताकत है। नीचे झुको, हमारी जगह नॉर्मल फैमिली होती तो वो क्या करते? कौन कर रहा है ये सब? पैल, मैंने तुम्हें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दी और तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। हम ये कर सकते हैं मिलकर, तीन पर मिचेल फैमिली। एक मिनट देखता हूँ, ये फर्मी कौन है? जाकर उन्हें ढूंढो। पैल चुप वाली सारी मशीनें जिंदा हो गई है। तैयार हो जाओ, बटरफ्लाई फॉर्मेशन। तो हमें उनकी कॉपी करनी है ना? क्या अब सिर्फ हम लोग ही बचे हैं? तो ठीक है, हम बचाएंगे इस दुनिया को। पकड़ो और गिराओ, ट्राई करके देखो। मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? क्यों ना हम लोग अपने फोन्स नीचे रख दें और सिर्फ 10 सेकंड तक बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे को प्यार से देखें। वक्त शुरू होता है अभी। लाइफ ऐसी होनी चाहिए बिना किसी गैजेट के।